हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त जबरदस्त हूँ। सबसे पहले मैं वंशु, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वंशु ब्लॉग उत्तराखंडी में फिर से एक बार न्यू ब्लॉग के साथ स्वागत करती हूँ और बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देती हूँ। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के 8:30 बजे से और मेरा काम हो चुका है। मैंने बर्तन भी धो दिए हैं रात के और चाय भी दे दी है। बस अब एक बार चाय और देंगे, उसके बाद जो खाना बनाने की ही तैयारी होगी। और तो दोस्तों चलते हैं, आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने चाय वगैरह तो पी ली है और मैंने नाश्ते में आज मैगी बना रखी है। कलर थोड़ा वैसा दिख रहा है, खाली पानी में उबाली आज मैंने। फटाफट से मैगी खा लेते हैं, उसके बाद जो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आज मैं बना रही हूँ मलके को पीस कर। वैसे मसूरी होती है, मसूर नहीं थी साबुत, तो यही भिगा दिए थे मैंने सुबह। और मैंने इसके लिए लहसुन प्याज और मिर्ची थोड़ा सा अदरक पीस दिया है। सिलबट्टे में स्वाद होता है ना, मिक्सी का स्वाद नहीं होता है। तो इसको पीसते हैं फटाफट, देखते हैं। और मट्ठा डाल के बनाऊंगी मैं इसको आज। मसूर भी पीस लिया दोस्तों, मतलब मलका। और मेरा लहसुन प्याज और अदरक और मिर्ची भी पीस चुका है, सिलबट्टे में पीसा है। प्याज भी काट दिया है और मेरी प्यारी सी आग भी जल चुकी है। कढ़ाई भी रख दी है मैंने इसके ऊपर, थोड़ी सी वो पानी पानी हो रहा है ना, थोड़ा सूख जाएगा। और मैं ये सब्जी बनाने के लिए दाल जो भी है सारा सामान लेके आ गई हूँ। और हल्का सा इसमें बेसन डालूंगी, उसके बाद जो थोड़ा पानी में पकाऊंगी फिर मट्ठा डालूंगी। दोस्तों मेरी चाय भी बन गई है, अम्मा बाबू को दे दी है, थोड़ी सी मैं पी लेती हूँ। और दाल भी बन गई, सब्जी वो चावल भी बन गया। अब आटा गूंद लेती हूँ, फिर उसके बाद रोटी बनाती हूँ। तो मेरा खाना बन गया है, मलके की दाल मट्ठे वाली और रात की सब्जी, चावल, रोटी और है सलाद। तो मैंने अम्मा बाबू के लिए निकाल दिया है और अब मैं दे के आती हूँ फटाफट। तो दोस्तों फाइनली मैंने अपने लिए भी निकाल लिया है और आज मलके की दाल बनाई है, मसूर की, मट्ठा दाल की, गोभी की सब्जी है और खीरा है, हरी मिर्ची है। मज़ा आ जाता है, सिलबट्टे में पीसा है तो मज़ा ही आता है। और फिर आग में बनाया हुआ है, मज़ा आता है। और फिर हाथ से खाओ तो मज़ा और चौगुना हो जाता है। तो फटाफट से खा लेते हैं खाना, टेस्टी टेस्टी सा। फिर सेरू को भी खिलाते हैं। बर्तन भी धुल चुके हैं, थोड़े यहाँ पे रखे हैं, बहुत सारे बर्तन यहाँ पे रखे हैं, इतने ज़्यादा बर्तन हो ही जा रहे हैं हम लोगों के। अब अंदर चलती हूँ और सेरू को बाहर लेके आती हूँ। और सेरू का पहले बिस्तर उठा देती हूँ, उधर डाला है, 2-3 हो गए इसको डाले हुए। और शाम की तैयारी होगी, पाइप लग चुका है अम्मा बहू का। ये सिरों के कपड़े इतने ज़्यादा गंदे हुए थे ना, मतलब बिस्तर सब साफ करके धो रखा है मैंने, इतना साफ बनाया है। इनको उठा के अंदर ले जाती हूँ पहले। तो मेरा सिरों ने अपने बिस्तर को बहुत ज़्यादा मिस करा था, 2 दिन से बेचारा नीचे भी सोया था, ढूंढ रहा था इधर उधर। अभी बिस्तर डाला तो सो गया। चलो तेला बिस्तर आ गया है, बिस्तर छो जाए छो। चलो का बिस्तर आ गया, धुल धुल के धोई धोई कर दी बिस्तर खींच के, है ना, धोई धोई। चलो अभी बाहर चलो, हिट बाहर जाने के लिए तैयार है मेरा सेरू। चल तो मैं सेरू का बिस्तर भी लगा दिया है, सेरू सो गया है। सेरू कैसा लग रहा है तुमको, तुमको कैसा लग रहा है, तुमको कैसा लग रहा है बिस्तर में? खुश हो रखा है जो बिस्तर आ गया करके। इतना दुखी था ना ये 2 दिन से, बिस्तर कहाँ है बिस्तर कहाँ, ढूंढ रहा था इधर उधर, आज खुश हो गया, सो जा अब। दोस्तों खाना पीना खा के बर्तन भी धुल चुके हैं और अंदर किचन की भी सफाई कर दी है, गैस वैस धुल धो के और लिपना धासना जो भी था वो कर दिया है। अब सीधा मिलते हैं आप सबसे शाम को, चाय बनाएंगे शाम को, वही होगा। और फिर पानी भी, आप पता नहीं फर्स्ट बारी है दूसरी बारी में भूल गई, कल कौन सी थी, कल शायद फर्स्ट थी या दूसरी होगी, आज कम आएगा पानी, कल से, कल था ज़्यादा आता है फर्स्ट में, दूसरे में कम आता है। तो मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर बाद, थोड़ा रेस्ट करते हैं, थकान जैसी भी लग गई है। तो सीधा मिल रही हूँ शाम को और पानी आ चुका है, 4 बाल्टियाँ खा लिया है और इतने सारे ये किचन के वो धोने बिछाए हुए थे, नहीं तो ले जाते हैं इनको वहाँ पे। दादाजी टूट गए, दादी चली गई कहीं, पानी आ गया करके, भरते हैं यहाँ पे पानी, एक बाल्टी भर चुकी है। तो मेरी चाय बन चुकी है,
और दादाजी को वहाँ पर दे दी है मैंने, और वो जो भी दिख रहा है सारा पानी गिरा है, मैंने कुछ कांड कर दिया है मम्मी लोगों के जहे में, क्या क्या है वो दिखाती हूँ आप लोगों को भी। तो मैंने बाल्टी तोड़ दी आज, भरी बाल्टी, ऐसे भी वाली बाल्टी बहुत कच्ची होती है, ये हैंडल भी तोड़ दिया, इसके अंदर डाला है, और ये बाल्टी पूरी टूट गई है, किसी काम की नहीं है, गाड़ फेंक देंगे, फूल पेड़ लगाने के काम की भी नहीं रही बाल्टी, एक कांड तो करना ही था मैंने। वाली बाल्टी ले जा रही पेड़ों में लाने के लिए, क्योंकि सूख गए हैं खेत पूरा सूखा सूखा लग रहा है, डाल देते हैं हल्का हल्का, ये वाली ला गई, खाली टूटेगी तो दूसरी भी हो गया फिर। तो हमारे शिमला मिर्ची के पेड़ इतने बड़े हो गए हैं, फूल बैठने लग गए इनमें, और सारे पेड़ पौधे आप लोगों को अब मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी अच्छे से। तो रात को सब्जी बनने वाली आज मेरी भिंडी की, और इसमें थोड़ा सा आलू मिलाऊंगी, एक दाना छोटा छोटा काटा है, और लहसुन और प्याज भी काट दिया है, इसको थोड़ा सा सिलबट्टे में थीस लेते हैं, और अब मैं जला लेती हूँ फटाफट आग। तो मेरी प्यारी से आग भी जल चुकी है दोस्तों, और मैंने लहसुन प्याज भी सिलबट्टे में थीस लिया है, अब फटाफट से मैं आटा गूंथ लेती हूँ। तो दोस्तों मैं दूध वगैरह भी लेके आ गई हूँ, और अब जला लेते हैं दिया, सुबह तक नहीं जलाया मैंने, भूल जैसा गई थी मैं, तो अभी जला लेते हैं, शाम का तो दिया जलाना जरूरी होता है, तो कर लेते हैं पूजा। तो मेरा दिया भी जल चुका है दोस्तों, और पूजा भी हो गई है, अब बना लेते हैं खाना। तो मैंने तवा रख दिया है, और मेरा दलिया भी पक चुका है, और सब्जी भिंडी की है, और फटाफट से मैं रोटियां बना लेती हूँ, 3-4 रोटी, और शेरू के लिए 2 रोटी दिन में की है ही, फटाफट से बनाते हैं रोटी। तो आज का डिनर भी बन चुका है, और आज है भिंडी की सब्जी रोटी, और मैंने अपने लिए मैगी बनाई है, और शेरू के लिए है अंडे की भुर्जी और दलिया और रोटी। तब कर लेते हैं शेरू और मैं टेस्टी टेस्टी से डिनर।